हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 10th में सर चैप्टर नंबर 10 सर्किल को हम कर रहे हैं। सर्किल की हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, एक सर्किल के चारों तरफ इसको ड्रॉन किया गया है। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू है ए डी प्लस बी सी, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसकी क्या होगी। एज वी नोट, हमें दिख रहा है कि ए पी और ए एस ये क्या है, टेंजेंट है। तो ए पी एंड ए एस आर द टेंजेंट, तो टेंजेंट है तो क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू, एक ही पॉइंट से खींचे गए हैं तो ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एस ये आ गया। सिमिलरली बाकी सब में भी यही करेंगे, क्या आएगा बताइए। बी पी किसके इक्वल होगी, क्योंकि बी पी और बी क्यू ये भी टेंजेंट है, तो बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी क्यू, और सी आर और डी आर, सी आर और सी क्यू भी इक्वल है तो सी आर इज इक्वल टू हो जाएगा सी क्यू के, और डी आर और डी एस भी इक्वल है तो डी आर किसके इक्वल हो जाएगा डी एस के। ये चारों आ गए। अब इन चारों को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, इन चारों को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इनको जोड़ा हमने इधर वालों को और इधर वालों को, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो आप देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, यहां से यहां तक ये क्या हो गया पूरा, ये हो गई आपकी ए पी प्लस बी पी, कितना हो गया ये हो गया आपका ए बी, और सी आर ये कितना हो गया आपका पूरा का पूरा ए बी, और सी आर प्लस डी आर ये कितना हो गया, सी आर प्लस डी आर ये हो गया डी सी, और ए एस प्लस बी क्यू ये कितना हो गया आपका ए एस। अब एस में बी क्यू तो आ नहीं रहा है, ए एस के साथ क्या आना चाहिए डी एस, तो हमने क्या करा ए एस और डी एस को साथ में लिया, तो ए एस और डी एस कितना हो गया, ए एस और डी एस आपका हो गया ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू ये हो गया आपका बी सी। हमें यही प्रूफ करना था, ए बी प्लस सी डी यानी कि डी सी, ए बी प्लस डी सी और ए डी प्लस बी सी, यही हमें प्रूफ करना था। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू आ गया हमारा ए डी प्लस बी सी, यही हमें प्रूफ करना था, हैंज प्रूफ। तो समझ गए किस तरीके से किया है, ये बहुत इजी तरीके से हमने इसको कर दिया प्रूफ, ठीक है। चलिए